वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज़ होती है। इंसान शौक में कुछ भी कर लेता है, और जब इंसान में किसी चीज़ को करने का कोई जुनून सवार होता है, तब उसे पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जब उसे इसका एहसास होता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब इंसानों से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने शरीर के साथ ही छेड़छाड़ कर ली। लिल यूजी वर्ट, इस इंसान ने शोक शोक में ही एक ऐसा खतरनाक कारनामा कर डाला कि अब दर्द से काफ़ी परेशान है। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन लिल यूजी वर्ट नाम के इस अमेरिकी रैपर ने अपने माथे पर 175 करोड़ का गुलाबी हीरा इम्प्लांट करवाया है, और ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि यह रैपर चाहता है कि यह खुद एक हीरे की तरह दिखे। अच्छा, वैसे कुदरती शरीर के साथ छेड़छाड़ करने के बाद अब यह रैपर काफ़ी परेशान है। उन्होंने बताया कि अब हीरे की वजह से उनके माथे में सूजन हो रही है, धीरे धीरे उसका माथा फूलता जा रहा है, साथ ही अब उन्हें दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सेकंड नंबर पर है रोड्रिगो बेग्रो। बेग्रो को बचपन से ही कुत्तों का बहुत शौक रहा है। वो बचपन से ही कुत्तों के साथ सबसे ज़्यादा रहते थे और अपना ज़्यादातर टाइम कुत्तों के साथ ही बिताया करते थे। लेकिन बढ़ते हुए समय के साथ इस शख्स के अंदर कुत्तों के प्रति चाह इतनी अधिक बढ़ गई कि इन्होंने खुद को ही एक कुत्ते का रूप दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेग्रो की कुत्तों के प्रति दीवानगी इस हद तक थी कि उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते के सर को प्लास्टिक सर्जरी से अपने चेहरे पर इम्प्लांट करवा लिया, और इसी के बाद से दुनिया में सभी लोग उनको डॉगमैन के नाम से जानते हैं। डेविड एनवर, आपको बता दें कि इस इंसान को बचपन से ही बिल्लियों का काफ़ी शौक था, और इनका बचपन से ही मन था कि वो बिल्लियों की तरह दिखाई दे। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि वो अपना यह शौक पूरा करने के लिए खुद को ही एक बिल्ली का रूप दे देंगे। लेकिन डेनिस ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई और खुद को एक बिल्ली का रूप दे दिया। अच्छा, वैसे अब इस शख्स को पब्लिक प्लेस में देखकर लोग अधिकतर डर जाते हैं। हर्बर्ट चोबेस, सुपरमैन को देखने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि काश वो भी सुपरमैन होता। लेकिन हर किसी इंसान की इच्छा कहाँ पूरी होती है। हर किसी के दिल में सुपरमैन राज करता है, लेकिन हर्बर्ट ने अपनी चाहत को सत्य कर दिखाया और उन्होंने खुद को सुपरमैन की तरह बना लिया। हर्बर्ट ने अपना रूप ऐसा बदला कि वो हवा में उड़ तो नहीं पाए, लेकिन दिखने में बिल्कुल सुपरमैन की तरह दिखने लगे। और अपने आप को यह रूप देने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए और लोगों के दिल पर राज भी करने लगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कुदरत के द्वारा दिए गए इस शरीर के साथ छेड़छाड़ करना सही है या फिर गलत? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी एंटरटेनिंग या फिर अच्छी लगी हो, तो वीडियो के नीचे आए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबा देना।